के संग खुशियों के रंग हो जाए मलंग लेकिन नहीं उमंग, नरक चतुर्दशी से आए दुखों में कमी और बरकत आए दोगुनी। नमस्कार, मैं अंकिता। नरक चतुर्दशी के पावन पर्व पर आप सभी को मेरी और BCN की संपूर्ण टीम की ओर से BCN न्यूज के बरकते दिवाली के तहत नरक चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इस चतुर्दशी को रूप चौदस और काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। दीपावली के एक दिन पहले आने वाली इस चतुर्दशी को छोटी दिवाली भी कहते हैं। मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन प्रातः काल तेल लगाकर अपामार की पत्तियां जल में डालकर स्नान करने से नरक से मुक्ति मिलती है। विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। शाम को दीपदान की प्रथा है जिसे यमराज के लिए किया जाता है। दीपावली को एक दिन का पर्व कहना न्याय उचित नहीं होगा। इस पर्व का जो महत्व और महात्म्य है उस दृष्टि से भी यह काफी महत्वपूर्ण पर्व और हिंदुओं का त्योहार है। यह पांच पर्वों की श्रृंखला के मध्य में रहने वाला त्योहार है, जैसे मंत्री समुदाय के बीच राजा। इस त्योहार को मनाने का मुख्य उद्देश्य घर में उजाला और घर के हर कोने को प्रकाशित करना है। नरक चतुर्दशी के महत्व के बारे में कहा जाता है कि इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर तेल लगाकर और पानी में चिरचिरी के पत्ते डालकर उससे स्नान करके विष्णु मंदिर और कृष्ण मंदिर में भगवान का दर्शन करना चाहिए। इससे पाप कटता है और रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय होने के बाद नहाता है उसे वर्ष भर में किए गए अच्छे कार्यों का फल नहीं मिलता है। इस दिन को यम के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इस दिन शाम होने के बाद घर में और उसके चारों ओर दिए जलाए जाते हैं और यमराज से आकाल मृत्यु से मुक्ति और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। कई घरों में इस दिन रात को घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य एक दिया जलाकर पूरे घर में घुमाता है और फिर उसे लेकर घर से बाहर कहीं दूर रखकर आता है। घर के अन्य सदस्य अंदर रहते हैं और इस दिए को नहीं देखते। यह दिया यम का दिया कहलाता है। माना जाता है कि पूरे घर में इसे घुमाकर बाहर ले जाने से सभी बुराइयां और कथित बुरी शक्तियां घर से बाहर चली जाती है। इस दिन को काली चौदस भी कहते हैं। काली चौदस की रात माता काली की पूजा होती है। दरअसल पूरे भारत वर्ष में रूप चतुर्दशी का पर्व यमराज के प्रति दीप प्रज्वलित कर यम के प्रति आस्था प्रकट करने के लिए मनाया जाता है, लेकिन बंगाल में माँ काली के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है, जिसके कारण इस दिन को काली चौदस कहा जाता है। इस दिन माँ काली की आराधना का विशेष महत्व होता है। काली माँ के आशीर्वाद से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सफलता मिलती है। नरक चतुर्दशी इस दिन के संदर्भ में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इन मान्यताओं के अनुसार ही प्राचीन काल से वर्तमान समय में इस दिन को मनाया जाता है। पहली कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन अत्याचारी राक्षस नरकासुर का वध किया था। नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है। प्रयाग ज्योतिषपुर के राजा भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी को मुक्त कराया था। इस उपलक्ष्य में दियों की बारात सजाई गई थी। इस दिन के व्रत और पूजा के संदर्भ में एक अन्य कथा यह है कि रंती देव नामक एक पुण्य आत्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो उनके सामने यमदूत आ खड़े हुए। यमदूत को सामने देख राजा अचंभित हुए और बोले, मैंने तो कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर आप लोग मुझे लेने क्यों आए हो? क्योंकि आपके यहाँ आने का मतलब है कि मुझे नरक जाना होगा। आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। पुण्यात्मा राजा की अनुनय भरी वाणी सुनकर यमदूत ने कहा, हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक भूखा ब्राह्मण लौट गया, यह उसी पाप कर्म का फल है। यमदूतों के इस प्रकार कहने पर राजा ने यमदूतों से कहा कि मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे एक वर्ष का और समय दे दें। यमदूतों ने राजा को एक वर्ष की मोहलत दे दी।
राजा अपनी परेशानी लेकर ऋषियों के पास पहुंचा और उन्हें सब वृतांत कहकर उनसे पूछा कि कृपया इस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है। ऋषि बोले, हे राजन, आप कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत रखें और ब्राह्मणों को भोजन करवा कर उनसे उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर तेल लगाकर और पानी में चिरचिरी के पत्ते डालकर उससे स्नान करने का बड़ा महत्व है। स्नान के पश्चात विष्णु मंदिर और कृष्ण मंदिर में भगवान का दर्शन करना अत्यंत पूर्णदायक कहा गया है। इससे पाप कटता है और रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उपरोक्त कारणों से नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी और छोटी दीपावली के नाम से जाना जाता है और इसके बाद क्रमशः दीपावली, गोधन पूजा और भाई दूज मनाई जाती है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान का महत्व होता है। इस दिन स्नान करते वक्त तिल एवं तेल से नहाया जाता है। इसके साथ नहाने के बाद सूर्य देव को अर्घ अर्पित करते हैं। इस शरीर पर चंदन लेप लगाकर स्नान किया जाता है एवं भगवान कृष्ण की उपासना की जाती है। रात्रि के समय घर की दहलीज पर दीप लगाए जाते हैं एवं यमराज की पूजा भी की जाती है। साथ ही हनुमान जी की अर्चना को भी विशेष महत्व दिया जाता है। आशीर्वाद मिले गणेश से, विद्या मिले सरस्वती से, धन मिले लक्ष्मी से और नरक चतुर्दशी के दिन बरकत आए रब से, इसी शुभकामना के साथ मैं अंकिता लेती हूँ आपसे विदा। एक बार फिर आपको मेरी और BCN की संपूर्ण टीम की ओर से नरक चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं।